24/3/2028 को भर्ती हुए थे और ये हमारी यूनिट में रहे। अभी कुछ साल के लिए, 3 साल के लिए 59 इंजीनियर में पोस्टिंग गए थे और अभी फिर दोबारा हमारी यूनिट जीरकपुर में पोस्टिंग आए थे और इसी दौरान ये अभी छुट्टी आई और जिसकी वजह से हादसा हुआ। सुधीर बहुत ही ईमानदार और खुश मिजाज इंसान थे, जो मतलब बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे और कभी भी किसी के आपसी तालमेल बहुत अच्छे थे इसके आपसे सभी से। कितने साल की इनकी सर्विस? 16 साल सर्विस हो चुकी है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक बेटी, जो एक बेटी थी, दो लड़के, तो दोनों बीमारी हैं और बेटी है वो। अच्छा, दोनों बेटे बीमार हैं? हाँ, दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। एक का ब्लड कैंसर है, कुछ कुल्ली का पैर में ऑपरेशन पैर खराब है, कराने के लिए। हाँ जी। अच्छा, तो अभी सर यूनिट की तरफ से क्या कुछ मैसेज है परिवार के लिए? परिवार के लिए सर बड़ी अक्षति है, जो भी संभव हो सकता है वो हर संभव कोशिश की जाएगी, जितना हो सकता है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतनी कोशिश की जाएगी यूनिट की तरफ। जी बताएं सर। आज मैं समस्त पाथरी गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी समस्त पंचायत, सभी यंगस्टर्स और जितने भी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जितने सभी पदाधिकारी, 8 मैकेनाइज जिसका जींद के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके यूनिट से आए हुए हमारे सरदार साहबान, उनके साथीगण, आज सुधीर की अंतिम यात्रा के अंदर जितना जन समूह और सभी यंगस्टर और बच्चे, पूरा परिवार, पूरा गांव ने जो एक भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित करके जो मान और सम्मान दिया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं पूरे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सभी योद्धाओं की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सुधीर, जैसे अभी आपको हमारे 57 इंजीनियर रेजिमेंट जो कि जीरकपुर में है, 23 मार्च 2004 को वो इनरोल्ड हुए थे, भर्ती हुए थे और आज वो भगवान को अंतिम यात्रा के अंदर परमात्मा के चरणों में विलीन हुए हैं। जैसा अभी आपको बताया, सुधीर बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनत और खुश मिजाज इंसान थे, बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी करते थे और सभी सैनिकों के साथ एक ग्रुप बना करके, क्योंकि वे एक हौलदार थे, हौलदार के पद पर रहते हुए जो इनके साथ में जो जवान जो ड्यूटी के लिए जो उनको मिलता था उसको अपनी बखूबी अपनी ड्यूटी निभाते थे। बहुत ही दुखद घटना है, जितनी भी हम इसका ऊपर दुख प्रकट करें उतना ही कम है। उनके एक बहुत ही प्यारी बच्ची भी उनके साथ एक्सीडेंटल में मृत्यु को प्राप्त हुई। दो बच्चे दोनों है जो डिसेबल्ड कहें उनको, एक का ऑपरेशन हुआ है, एक का ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इस परिवार के लिए जो दुखों का पहाड़ टूटा है, हम सब पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में है। जो भी उनको सरकार की तरफ से, हमारे डिफेंस की तरफ से जो भी उसको मैक्सिमम जो बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो हम उनको दिलवाएंगे और इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए यहाँ के यूनिट से इनके जो बंदे आए हुए हैं पूरी अपनी कागजी कार्रवाई वो करके जा रहे हैं और मैक्सिमम इनको सहायता जो वो मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी ही नहीं, गांव वासियों से भी हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस मुहिम को, इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर के गाँव के सरपंच, मौजूद गणमान्य व्यक्ति भी सरकार से गुहार लगाए कि इस परिवार के पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। उन बुजुर्ग माँ बाप, उन असहाय बच्चों का, परिवार का बाल, परिवार का पोषण करने के लिए सरकार से गुहार लगाए और इनको एक्स ग्रेसिया के तहत जो भी संभव हो, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनको कहीं नौकरी का और आर्थिक मदद देने का जो प्रयास करें। इसमें सभी गाँव वालों की एक क्षति है, किसी सैनिक की धर्म और जाति नहीं होती, कोई क्षेत्रवाद नहीं होता, देश का सैनिक जो शहीद होता है। और ये जो घड़ी है ये हम सब के लिए एक दुखद की घड़ी है और इसमें हम जितनी भी परिवार के लिए, जितनी भी आर्थिक मदद के लिए जो सहायता कर सकते हैं हम उनके साथ खड़े हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता है जो परिवार को मिलनी चाहिए ताकि इनका परिवार का पालन पोषण है जो अच्छे ढंग से हो सके।
हादसा किस तरीके से हुआ साहब? हादसा जैसे आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा, ये एक पार्ट ऑफ वेल जी, वार्षिक छुट्टी का एक अंश होता है, उसको लेकर के ये 77 डेज के लिए छुट्टी आए हुए थे और अकस्मात और भगवान की ऐसी घटना, दो दिन पहले छुट्टी आए थे और उस छुट्टी के दौरान आने के बाद में जैसे हमारे हिंदू कस्टम, हिंदू रीति रिवाज और परंपराएं जो चली आ रही हैं कि ये अपनी बुआ जी के कोथली देने के लिए जा रहे थे, जैसे हमें पता लगा जी, और ये हकीकत है, पता नहीं हकीकत थी, ये अपनी बुआ के जा रहे थे हमारे हिंदू परंपराओं को निभाते हुए, कहीं पेट्रोल पंप पे उन्होंने तेल वगैरह डलवा करके जो बाहर से जो दूसरी मोटरसाइकिल थी वो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स कहूँगा मैं, वो ऐसे उपद्रवी बच्चे थे जिन्होंने अपना खुद का होश नहीं था, उनके साथ मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ के अंदर है जो बच्ची है जो काफ़ी सीरियस इंजर्ड हुई और उस इंजरी के दौरान में उनको रोहतक रेफर किया गया और ये भी रेफर हुए थे सुधीर जी ना ऑन द सपोर्ट, ये तो ऑन द सपोर्ट एक्सपायर हो गए जी, ऑन द सपोर्ट एक्सपायर हो गए, बच्ची को वहाँ रेफर किया जिसका है जो पार्थिव शरीर है जो वहाँ रोहतक से आज ले आ गया और इनका जो अंतिम यात्रा करके इनका दाह संस्कार किया गया। बच्चे का नाम जी? बिंदु। बिंदु। उम्र? उम्र 6 साल। 6 साल के करीब। 6 साल साल के करीब। तो जितना पूर्व सैनिक जो बोर्ड पहुंचा उसकी तरफ से परिवार को क्या मैसेज सांत्वना के तौर पर? हम यहाँ पे हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं, DSP साहब भी पहुंचे, SHO साहब भी पहुंचे, हमारे सोल्जर बोर्ड से भी रिथ चढ़ाने के लिए, हमारे सैनिक को एक मान सम्मान देने के लिए भी हमारे जिला सैनिक अधिकारी भी हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके लिए हमारे सैनिक बोर्ड वालों के जो अधिकारी आए हुए थे उनको भी पता है कि ये क्या इंसिडेंट था, क्या कहानी है और हम क्या कर सकते हैं जी। क्योंकि जो भी कागजी कार्रवाई का प्रोसेस होता है एक सैनिक के लिए वो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू होता है जी, तो उसके मार्फत है जो हमारी कागजी कार्रवाई होगी, जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए जो भी एक बेनिफिशरीज को जो चीजें मिलती है वो देने के लिए हमारा पूरा प्रयासरत रहेगा और हम सोल्जर बोर्ड से भी इसके लिए जो अप्रोच करेंगे, हम खुद मिलेंगे, कोई भी दिक्कत होती है तो ये दुखी परिवार के साथ में हमारा पूरा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन साथ खड़ा है। तो जैसे बच्चों के बारे में आपने बताया, दोनों बच्चे बीमार, तो उनके लिए इलाज का प्रोसेस को ये बहुत ही दुखद घटना, आप लोग भली भांति जानते हैं कि बच्चे इलाज नहीं रुकेगा उनका, उनका इलाज नहीं रुकेगा, इम पैनल हॉस्पिटल के लिए उसके हमारे से जो भी सुविधाएं होती हैं, और मैं गांव वालों को भी उनके परिवार के जो सदस्य थे उनको भी हमने बताया, जो सोल्जर्स का को DSP अकाउंट होता है, ECHS की फैसिलिटीज होती है, जो पैनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने की जो फैसिलिटी होती है, सोल्जर बोर्ड के थ्री से जो फैसिलिटी होती है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हम इसके लिए पहली बात तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो ये जितने भी हमारे IV को जात पदाधिकारी जो योद्धा यहाँ खड़े हुए हैं हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, ओके भाई।